दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्रीज़ में प्रैक्टिकली हम पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव करते हैं। दोस्तों पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट ही क्यों रहती है, या तो फिर हम कौन कौन से मेथड्स इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। पर दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको यह कैसे पता चलेगा कि पावर फैक्टर सिस्टम का कम चल रहा है, सो दैट आप जाएंगे और मैन्युअली कैपेसिटर बैंक को ऑन करेंगे, या आपको ये कैसे पता चलेगा कि कैपेसिटी आपका जो पावर फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा लीडिंग में चला गया है तो अब आपको मैन्युअली जाना है और कुछ कैपेसिटर बैंक को बंद कर देना है। देखिए, आप किसी भी पर्सन को परमानेंटली किसी भी ड्राइव के पास एंगेज नहीं कर सकते, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ का जो लोड है वो कांस्टेंट नहीं रहता। इंडस्ट्रीज़ का लोड हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है और उसके हिसाब से ही जो पावर फैक्टर है वो भी कंटिन्यूसली वेरी होता रहता है। तो ऐसे में आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन को या किसी भी और पर्सन को कैपेसिटर बैंक के पास ही बैठा के नहीं रख सकते कि वो हमेशा यही काम करता रहे कि जब पावर फैक्टर कम हो तो उसे इम्प्रूव कर दे, और जब पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा चल रहा हो, लीडिंग में चला गया हो, तो उसे कम करके लैगिंग में आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतने पर सेट करके ले आए। तो ऐसे में दोस्तों इंडस्ट्रीज़ में प्रैक्टिकली जो चीज़ यूज़ होती है वो है APFC पैनल। APFC पैनल का मतलब होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। इसमें दोस्तों बेसिकली एक कंट्रोलर दिया रहता है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये इस APFC पैनल का कंट्रोलर है। इसका दोस्तों काम ये होता है कि इस कंट्रोलर में आप ये सेट कर सकते हैं कि आपको कितनी रेटिंग पे अपना पावर फैक्टर मेंटेन करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने इस कंट्रोलर में 0.96 की वैल्यू एडअप कर दी तो ये कंट्रोलर को रेफरेंस मिल जाएगा कि इस सिस्टम का पावर फैक्टर उसे 0.96 पर मेंटेन करना है। अब इंडस्ट्रीज़ का लोड तो कंटिन्यूसली वेरी होता रहेगा, तो जब भी पावर फैक्टर ड्रॉप होगा, जब भी पावर फैक्टर 0.96 से कम जाएगा, या हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं जब भी पावर फैक्टर 0.8 या 0.75 जाएगा, तो ये कंट्रोलर उस ड्रॉप इन पावर फैक्टर को सेंस करेगा और उस हिसाब से कैपेसिटर बैंक को ऑन करेगा। ये दोस्तों जो आप फीडर्स देख रहे हैं ये कैपेसिटर बैंक के फीडर्स है। जो कैपेसिटर्स है ये बाजू में रखे हुए हैं, शायद कैमरे में आपको नहीं दिख रहे होंगे, पर उसकी कंट्रोलिंग हमने इस फीडर के थ्रू ली है, और ये है APFC पैनल का कंट्रोलर। तो जब भी पावर फैक्टर 0.96 से कम जाएगा, कंट्रोलर उसे सेंस करेगा और उस हिसाब से कैपेसिटर के जो बैंक है उन्हें स्विच ऑन करेगा, ताकि जो पावर फैक्टर कम है ये बढ़ते बढ़ते 0.96 पर आ जाए। अब ऐसे ही केस में जब भी पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा लीडिंग पर होगा तो ये कंट्रोलर उसे भी सेंस करेगा और ज़रूरत के हिसाब से कुछ कैपेसिटर बैंक को बंद कर देगा, ताकि इसको जो रेफरेंस दिया है हमने 0.96 का, वो पावर फैक्टर मेंटेन हो सके। तो दोस्तों इंडस्ट्रीज़ में APFC पैनल को ही वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये काम आप 24 आवर्स मैन्युअली नहीं कर सकते। पहले के जो प्लांट है उसमें कैपेसिटर बैंक मैन्युअली स्विच ऑन या मैन्युअली हम स्विच ऑफ करते हैं, पर अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें हर प्लांट में आपको APFC पैनल इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे, जिनका काम होता है ऑटोमेटिकली पावर फैक्टर को कंट्रोल करना।